तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। हूँ हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं स्काल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं और कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए, कौन सा पैटर्न हमें यूज करना चाहिए स्काल्पिंग के लिए जो बेस्ट है। तो स्काल्पिंग के लिए देखिए, मैं दो रिकमेंड कर रहा हूँ अभी आपको, फिर अगली वीडियोज में आगे मैं और भी आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से पैटर्न को यूज कर सकते हैं। स्काल्पिंग ट्रेडिंग के लिए मैं दो पैटर्न यूज करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 15 सेकंड में आपसे लेना चाहता हूँ। जो लोग आस्था ट्रेड के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं भाई, आस्था ट्रेड एक ऐसा अकेला ब्रोकर है जो आपको 5 गुना मार्जिन दे रहा है। 5 गुना मार्जिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं भाई, अगर आप बैंक निफ्टी में 400 रुपये के प्रीमियम को बाई करने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 10,000 रुपये से ही आप एक लॉट को बाई कर सकते हैं, लेकिन 5 गुने मार्जिन का मतलब है 10 का भाग कर दो 5 से, मतलब कि आप 400 रुपये के प्रीमियम को सिर्फ 2,000 रुपये में बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपये से आप 10,000 रुपये का काम कर सकते हैं आस्था ट्रेड में। तो जो भी बिगनर्स भाई हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है लेकिन वो इन द मनी या एट द मनी के ट्रेड्स को बाई करना चाहते हैं भाई, 200 रुपये के प्रीमियम को भी अगर आप बाई करने के लिए जाओगे बैंक निफ्टी में, एक लॉट के लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे सर, 5,000 रुपये। लेकिन 5,000 की बजाय सिर्फ 1,000 रुपये में आप 200 रुपये के प्रीमियम को बाई कर सकते हैं आस्था ट्रेड में। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और बात करें ब्रोकरेज चार्ज की, तो 20 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है, जो सभी में देना पड़ रहा है, लेकिन मार्जिन यूज करने पर 20 रुपये पर लॉट आपको देना पड़ेगा। आस्था ट्रेड भाई मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कम कैपिटल से आप वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कराइए। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है सर। एक तो रहेगा आपका कल मैंने जो बताया आपका डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एक तो डब्ल्यू पैटर्न रहेगा, एक रहेगा आपका एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न इनको यूज कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बाकी इनके टाइप समझ लीजिए, मैंने कल भी आपको बताया कि डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्ट भी बन सकता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, और एक डब्ल्यू पैटर्न बहुत बड़ा भी बन सकता है। ओके, एम पैटर्न की बात करें तो एम पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, एम पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, एम पैटर्न एग्जैक्ट भी बन सकता है, और एम पैटर्न कितना भी बड़ा बन सकता है, और एम पैटर्न एक सिर्फ 4 कैंडल का भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बार बार देख लेना, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत आसानी से इजिली समझाने की, और मैं 20-30 आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है, 20-30 आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो सक्सेसफुल हुए हैं। बाकी सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो में आप बने रहिए और पूरी वीडियो एंड तक आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ चुके हैं हमने जहां पर एम पैटर्न सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, जहां पर मैंने एम पैटर्न को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, ओके, उनको यूज कैसे करना है वो सब कुछ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, एम पैटर्न बनेगा कहां पर, एम पैटर्न केवल तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, एम पैटर्न तब बनेगा जब मार्केट बुलिश है ताकि मार्केट गिरे, ठीक है, एम पैटर्न जब बनेगा नेक लाइन से मार्केट गिरेगा, ठीक है, ऐसे करके, ओके, एम पैटर्न कब बनता है जब मार्केट अपने टॉप पे होगा, ठीक है, जब मार्केट अपने टॉप पे होगा तब एम पैटर्न अच्छा काम करेगा, एक्यूरेसी एम पैटर्न की ज्यादा रहती है। यूज कैसे करना है कि मार्केट में आपको कुछ कैंडल्स इस टाइप की दिखेंगी तो आपको समझ जाना है कि ये एक एम पैटर्न है, ठीक है, समझेंगे कैसे वो मैं आपको इतने टाइप्स दिखाऊंगा कि एम पैटर्न कितने प्रकार से बन सकता है, पूरे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, और डब्ल्यू पैटर्न के भी मैं पूरे एग्जाम्पल्स इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो टॉप पे आपको एम पैटर्न देखना है और आपको बाई क्या करना है, पुट, ठीक है, पुट आपको बाई करना है क्योंकि हम स्काल्पिंग कर रहे हैं, तो स्काल्पिंग के लिए हमें एट द मनी ही आपको स्टॉक प्राइस सुनना होगा। ठीक है, एट द मनी चुनिए, बाकी अगर आपके पास में कैपिटल ज्यादा है तो इन द मनी साइड में थोड़ा सा जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एम पैटर्न है, ठीक है, एम पैटर्न क्या है, पहचान क्या है, एम बनता है, पहचान सिंपल है, आप पढ़े लिखे आदमी हो भाई, एम बनता है, ठीक है, वो कैंडल्स का मैं वो सब आपको समझा दूंगा कि कितने प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक एम पैटर्न देखा, एम पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा, हमें एंट्री कब लेनी, कि जब एम का ये जो नीचे वाला स्विंग होता है, ठीक है, कोई भी एम बनेगा नीचे एक स्विंग जरूर आएगा उसमें, ठीक है, तो नीचे जो स्विंग रहेगा, ये वाला जो स्विंग रहेगा, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, इसका जब ब्रेकआउट होगा नीचे की साइड में तब हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप मेरी लाइव वीडियोस देखिए, मैं रोजाना उसमें कोई ना कोई ट्रेड बताता रहता हूँ एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न की, बाकी मैं इस वीडियो में भी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल के साथ में, जो रेड कैंडल यहाँ पे देखिए, ये रेड कैंडल नीचे आई, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल नीचे आई, जब ये रेड कैंडल जो ये वाली जो है, ठीक है, नीचे देखिए 2:44 की ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल पहले ग्रीन बनी थी, ओके, उसके बाद रेड बनी है, फिर रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है, मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट लगाया हुआ है, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद में अगर आपको एक ग्रीन कैंडल भी दिखती है ना, एक ग्रीन कैंडल भी दिखती है जो कि यहाँ पर ये बनी है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया, उस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर दो बस। ठीक है, वो जो ग्रीन कैंडल होगी आपकी, उस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर दो, उसका ब्रेकआउट जब कैंडल करेगी तभी आपको एंट्री लेनी है, और जो भी मार्केट का स्विंग होगा, ठीक है, यहाँ पे स्विंग मतलब कि उस ग्रीन कैंडल के साथ में जो हाई लगाया होगा, ठीक
है, वो हाई इतना सा भी, वो हाई ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इससे हाई का भी हो सकता था, जब इस ग्रीन कैंडल को ये नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट कर देती तो इसी ग्रीन कैंडल का हाई आपका ऐसे रहता। बाकी इसने एक और एम पैटर्न बनाया है, तो एक और एम पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पे हम दोबारा यूज कर सकते थे, अगर आपके पास, अगर आप पहचान पाए तो, ठीक है, अगर आप पहचान सकते हैं तो आप इसे दोबारा यूज कर सकते थे कि एम पैटर्न को। बाकी स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर एंट्री रहेगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, आपकी 17,060 के आसपास आपकी एंट्री है और स्टॉप लॉस है मात्र आपका 17,064, 14 पॉइंट का एसएल है। टारगेट देख सकते हैं, टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा आपको, वैसे मैं टारगेट बताता नहीं हूँ। जो भी स्विंग आपको दिखेगी, पहला स्विंग पहला टारगेट, दूसरा स्विंग दूसरा टारगेट, तीसरा स्विंग तीसरा टारगेट, ठीक है, जो भी स्विंग आपको दिखेगी, स्विंग किसे कहते हैं, जो भी बिगनर्स भाई हैं पूछ रहे हैं, अगर मैं बताऊँ आपको, जो भी एक कोना आपको कहीं पर दिखेगा उसी को हम स्विंग कहते हैं, ठीक है, उसी को हम स्विंग कहते हैं। तो जो भी कोने आपको दिखेंगे उन्हीं का आपको एक टारगेट चुनना है, ठीक है, कि मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कितने प्रकार के डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने के लिए, डब्ल्यू और एम पैटर्न हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, ये मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न का एग्जांपल लिया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम होल्ड कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, हम एक फास्ट मूवमेंट को पकड़ने वाले हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है आपको ये डब्ल्यू ना लगे, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको डब्ल्यू मिल रहा है तो मतलब कि आपको एक फास्ट में प्रॉफिट मिलने वाला है, बस इतना एक्सपेक्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। डब्ल्यू कैसे है, ये मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्लियर डब्ल्यू है, ठीक है। इसका जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, एम में भी इसका होना चाहिए, डब्ल्यू में भी इसी का ब्रेकआउट होना चाहिए, जब इसका ब्रेकआउट होगा, इसका ब्रेकआउट मतलब कि इसके हाई को जब ऊपर की जाएगा, ठीक है, इसके हाई से, डब्ल्यू के हाई से ऊपर जाना चाहिए, एम में लो से नीचे जाना चाहिए, ठीक है। इसका जैसे ही ब्रेकआउट किया है, ठीक है, एक रेड कैंडल अगर आपको दिखती है, कंफर्मेशन है, ठीक है, रेड कैंडल का मतलब है कंफर्मेशन, जो ये रेड कैंडल आई है इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, टारगेट आपको इतना रखना है या फिर आप इतना होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी इसका ब्रेकआउट होते ही आप फर्स्ट में एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपके सामने होगा। जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है अगर वो बड़ी है तो उसी के नीचे आप ऐसा लगा सकते हैं, वरना आप स्विंग का लगा सकते हैं। स्विंग तो आप जानते हैं जो डब्ल्यू की स्विंग है, मतलब कि देखिए ये 80 का लो है, 980 का स्टॉप लॉस, 17,000, ठीक है, 20 पॉइंट में आपकी एंट्री और टारगेट है आपका 60 तक, मतलब 40 पॉइंट, 1:2 आपको मिला जाते हैं। ओके, ये डब्ल्यू मैंने बताया, अब देखते हैं आगे चलते हैं, जो मिलेगा आपको कुछ बेटर मिलेगा, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स दूंगा, सब कुछ आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई कि सर इसमें कुछ कम सिखाया है आपने और कुछ ज़्यादा बता देते, तो मैं इतना बताऊंगा आपको आज के दिन कि आप लोग थक जाओगे, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे क्या बनाइए, एम पैटर्न, ठीक है। 1 मिनट पे आप स्कैल्पिंग करने आए हैं, ठीक है, हमें अपना पैटर्न ढूंढना है जो टॉप पे बन रहा है, ठीक है, जो टॉप पे बन रहा है वो पैटर्न हमें ढूंढना है। ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ली, स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट किसी स्विंग का लो, ठीक है, किसी स्विंग का लो, कन्फर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए मैं इतने दिखाऊंगा आपको, इतने दिखाऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू बन गया, कितना मैंने क्या बताया था, डब्ल्यू ऐसे भी बन सकता है, डब्ल्यू और डब्ल्यू ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। डब्ल्यू किसी भी प्रकार से बन रहा हो, डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फास्ट में, स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे, ठीक है, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री है डब्ल्यू का ब्रेकआउट, टारगेट किसी स्विंग का हाई, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका, दूसरा टारगेट क्या है, अरे हट जा यार, दूसरा टारगेट ये एक स्विंग का हाई है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से टारगेट चुन सकते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेल करना जानते हैं तो ट्रेल भी कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ डब्ल्यू दिखाया है कि कितने प्रकार से डब्ल्यू बन सकते हैं, ठीक है। ये भी एक डब्ल्यू है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ स्विंग के लो का, ठीक है, ये है आपका स्विंग, ठीक है, स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा, ठीक है। मैंने ज्यादातर जितने भी आपको बताए हैं स्टॉप लॉस कम और टारगेट ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू हो गया, ठीक है, इस स्विंग के लो का आपका एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा इसका ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, स्विंग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेड नहीं कर पाते हैं, दूसरा डब्ल्यू यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये भी एक डब्ल्यू है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, एंट्री लिया आपने, स्टॉप लॉस स्विंग का लो, ठीक है, स्विंग का लो आपका स्टॉप लॉस, टारगेट देख सकते हैं मिला है, ठीक है। ये भी अगर आप ट्रेड नहीं कर पाए हैं तो आप इस डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे, टारगेट आपके सामने है। ओके, बस इतना ही नहीं है, मैं और भी सिखाने वाला हूँ, भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम पैटर्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ एम पैटर्न कितना है, ये देखिए, ऊपर स्विंग नीचे लो, ऊपर स्विंग नीचे लो, ठीक है, ये भी एक एम पैटर्न है। मैंने आपको बताया था कि एम पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, स्टॉप लॉस स्विंग का हाई, टारगेट ये वाले स्विंग का लो, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा प्रॉफिट आपके सामने फास्ट में मिलेगा। ओके, फास्ट में मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी एक एम पैटर्न है, ठीक है, ये भी एक एम पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट नीचे हुआ है, फास्ट में मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा फास्ट मिलेगा।
1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है, 1 मिनट में अगर आप स्काल्पर हैं, ठीक है, अगर आप स्काल्पर हैं तो ऐसे एम पैटर्न 1 मिनट पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, पूरे दिन मिलेंगे ऐसे एम पैटर्न आपको पूरे दिन मिलेंगे। कम से कम आप 2 से 3 ट्रेड सक्सेसफुल डेली निकालोगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमाओगे, ठीक है। तो देखिए, रिव्यू अगर आप देना चाहें तो अच्छा रिव्यू दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, नहीं सीख रहे हैं तो भाई फिर क्या फायदा है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो रिव्यू दीजिए अच्छा, ठीक है, अगर आप चाहें तो, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जो लोग एम स्टॉक के बारे में नहीं जानते भाई, उनको मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रेडिंग करने पर आपको ब्रोकरेज चार्ज 0 लगेगा, मतलब कि 1 रुपये का भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस जो है वो है आपकी 999 की, 999 रुपये पे करने के बाद आपका जो अकाउंट ओपन होगा उसमें आपका 1 रुपये का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा भाई। सभी ब्रोकर्स में 20 रुपये पर ट्रेड आपको चार्ज देना पड़ता है, और हमारा रोजाना का कम से कम भाई 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये, हो सकता है कभी कभी हम 1500 रुपये तक का भी ब्रोकरेज चार्ज दे देते हैं एक दिन में। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे में नहीं देना, ट्रेडिंग में नहीं देना भाई, डिलीवरी फ्यूचर कहीं भी आप ट्रेडिंग कीजिए तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी आपको मिल जाएगा, बैंक निफ्टी मिल जाएगा, निफ्टी 100, निफ्टी 200, मतलब कि यहाँ पे आपको सारे इंडेक्सेज एक ही लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि भाई आपको ग्लोबल इंडेक्सेज यहाँ पे एक ही लाइन में लगे हुए मिल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट कौन सी साइड में जाने वाला है। तो अगर आप ब्रोकरेज से परेशान है, ब्रोकरेज दे देकर थक गए हैं भाई, रोजाना 200, 300, 500 का ब्रोकरेज आप देते हो, तो एक बार में आप 999 रुपये का अकाउंट ओपन करा के आप एक ही बार में फ्री हो सकते हैं अपने जीवन भर के ब्रोकरेज से। तो जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एम पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, आपको पहचानने के लिए मैंने ये लगाया है, प्रॉफिट आपके सामने है, कितना बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट आपके सामने है, अच्छा प्रॉफिट है। एम पैटर्न को समझाने के लिए मैंने इतने पैटर्न्स यूज किए हैं, ठीक है, कितने, तो एम पैटर्न यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एम पैटर्न है। ये शायद आपको समझ में ना आए इसलिए मैं ये डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट है, हमें स्काल्पिंग चाहिए और फास्ट प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, जब हमें एम पैटर्न मिलेगा, ठीक है, जब हम एम पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोग कहोगे कि भाई कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक रेड कैंडल आई जो मार्केट को नीचे लेकर आई है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल आई है जो मार्केट को ऊपर लेके गई है, उसके बाद तो मार्केट गिरा ही है, ठीक है, ये लो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये लो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ग्रीन कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुई है प्रॉफिट आपके सामने है, स्टॉप लॉस स्विंग का हाई, ठीक है, स्टॉप लॉस स्विंग का हाई, ओके, कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं भाई, सबके पीछे लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं है। एम पैटर्न और कहें क्या मिलेंगे भाई, और भी पैटर्न आपको 100% मिलेंगे, बस फाइंड आउट कर रहा हूँ। डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक अभी नहीं हुआ है, ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और हम इसको भी डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, देखिए वो आपके ऊपर है कि आपको पहचानना कितना आता है, ठीक है, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो स्टॉप लॉस ना लेना चाहें तो मत लीजिए, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो ट्रेड करना जरूरी नहीं है भाई, किसी ने हमें पैसे नहीं दे दिए कि कितना भी उड़ा लो, ठीक है, किसी ने हमको पैसा नहीं दे दिया कि भाई कितना भी उड़ा लो, ये नहीं ट्रेड कर, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस और ले लेंगे तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ये भी एक डब्ल्यू है, ठीक है, ये भी एक डब्ल्यू है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग डब्ल्यू को पहचानना सीखिए बस, अगर आप डब्ल्यू को पहचान लोगे आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, डब्ल्यू पहचानो प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, ये हमारा नारा हो जाएगा आज का। कितने ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं, तारीख में दिखाऊंगा मात्र कुछ ही दिनों में, ठीक है, हर एक पैटर्न देखिए पहचानना सीखिए, सिर्फ 4 कैंडल हैं और डब्ल्यू बन गया, सिर्फ 4 कैंडल हैं, डब्ल्यू बन गया, ब्रेकआउट हुआ, प्रॉफिट मिला, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से प्रॉफिट, थोड़ा सा लो, फिर से प्रॉफिट, ठीक है, ट्रेंड के साथ में चला, ठीक है, प्रॉफिट का आप इंतजार कभी भी करें तो भाई हायर लो के साथ में ही प्रॉफिट मिल सकता है। आप लोग सोचें डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ मार्केट सीधा चला जाए, सीधा मार्केट कभी नहीं जाएगा, कभी मार्केट सीधा नहीं जाएगा, वो बात और है कि किसी किसी दिन मार्केट मूवमेंट बड़ी करता है, लेकिन आप ये चीज रोजाना एक्सपेक्ट कभी मत कीजिए, ठीक है, कभी भी मार्केट जाएगा तो हायर लो, हायर लो, हायर लो के साथ में, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप पेशेंस कितना रखते हैं और कितना आप एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, दोनों चीज बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस और पेशेंस। तो ये आपके सामने डब्ल्यू है, ओके, डब्ल्यू का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है स्टॉप लॉस स्विंग का लो, टारगेट आपके सामने है, ठीक है, स्विंग मेन चीज क्या है कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हमें निकालना कितना मिनिमम, ठीक है, मैं आपको ये कहूँ कि भाई 10 निकालिए, 20 निकालिए, नहीं, मिनिमम प्रॉफिट लीजिए, मिनिमम आप चाहें तो, देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली, हमने यहाँ पे एंट्री ली 128, मार्केट गया यहाँ तक 145, कितना पॉइंट मिला हमें, 145 का, ये आप 46, 47, 48 जो भी है हमें प्रॉफिट मिला, ज्यादा से ज्यादा 18-20 पॉइंट, निफ्टी के 20 पॉइंट अगर हमें चुटकी बजाते ही मिल रहे हैं सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट में निफ्टी के 20 पॉइंट मिले, मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रीमियम के 10 पॉइंट मिल जाएंगे ना, प्रॉफिट है, ठीक है, स्काल्पिंग तो भाई इसी को कहते हैं, बाकी आप लोग जाने भाई, ठीक है, स्काल्पिंग मैं तो इसी को कहता हूँ, और मैं प्रॉफिट भी ऐसे ही कमाया हूँ, ठीक है, आपके सामने जो मैं बैठा हूँ वो ऐसे ही बैठा हूँ, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करके एक छोटे से टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू या एम पैटर्न को ढूंढकर जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है,
जब एक रेड कैंडल मुझे दिख जाती है ना, तभी मैं निकल के भाग जाऊँ। मैं कभी इतने बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बैठता ही नहीं हूँ, ठीक है। बड़े प्रॉफिट की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको जरूरत होनी चाहिए। ये एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैं मार्क करना भूल गया, नहीं, अब एक एम पैटर्न देखिए, ये मैं मार्क करना भूल गया, ये भी एक एम पैटर्न है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन कैंडल के, लो का ब्रेकआउट हुआ, प्रॉफिट आपके सामने है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट कभी होता है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर का ही हमें एसएल लगाना होगा, ठीक है। एसएल हमारा ग्रीन कैंडल ही होगा, ग्रीन कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो। ओके, अब चलते हैं आगे। इतने प्रॉफिट्स दिखाऊंगा मैं, इतने पैटर्न्स दिखाऊंगा, आप लोगों की नजरों में नहीं भर दिया तो भाई आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, गाली मत देना यार, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बॉटम, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट किया, प्रॉफिट मिला, ठीक है। बिगनर्स हैं तो समझ जाएंगे, एक्सपीरियंस वाले हैं तो ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। बिगनर्स लोग समझ जाएंगे। एम पैटर्न क्लियर दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस स्विंग का हाई बड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है। ग्रीन कैंडल ही मार्केट ऊपर निकल गया, जैसे ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, जैसे ही ग्रीन कैंडल लो ब्रेक हुआ है, मार्केट धीरे 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 गिरा है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ में लोअर लो डाल के गिर रहा है, लेकिन गिरा है और प्रॉफिट भी मिला है, ठीक है। सबसे हैवी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है कि स्विंग का हाई, ठीक है, जो हिट नहीं होता है। आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया इसके ब्रेकआउट पे 17,070 पे, तो स्टॉप लॉस है आपका 17,078, 8 पॉइंट का। तो यार मुझे मुझे लगा ये बड़ा है, मुझे लगा कि ये बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस मात्र इतना सा यार, 8 पॉइंट का एसएल है। टारगेट देखिए आप, अच्छा खासा 50 पॉइंट के आसपास टारगेट आपका। ओके सर, ठीक है। तो एसएल कितने छोटे हैं यार, 1 मिनट के टाइम में, इसीलिए तो हम लगाते हैं कि छोटे प्रॉफिट एंड छोटे लॉस, ठीक है। दो बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप लोग बड़े लॉस नहीं, बड़े प्रॉफिट, हाँ, आप लोग का नारा है कि बड़े लॉस छोटे प्रॉफिट, मैं कहता हूँ बड़े लॉस नहीं होने चाहिए, छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या दिख रहा है आपको। ये एम पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, जैसे ही ब्रेकआउट किया, स्टॉप लॉस मात्र इतना सा 17,000, मान के चलते 17,072 का आप एसएल है, और एंट्री आपकी 17,058, मात्र 14 पॉइंट का एसएल है। टारगेट कुछ अच्छा खासा मिला है, ठीक है, 50 पॉइंट। और ये डब्ल्यू तो मैंने शायद बता दिया क्या, ये भी एक डब्ल्यू है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। बस मैं आपको केवल कंफर्मेशन के लिए कि आपकी आंखों में बस जाए ये पैटर्न, ठीक है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप बैक टेस्ट जरूर करें, और अगर आपको प्रॉफिट दे रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में तब आप इनको यूज करें, ठीक है। 1 मिनट एक फास्ट मूवमेंट देता है, तो मे भी चांसेज हैं आप इसे हैंडल ना कर पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप एक्सपीरियंस रखेंगे तो प्रॉफिट्स की लाइन लग जाएगी, ठीक है। बस पहचानना है आपको, बस पहचानना है कि क्या यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। बस ये क्या है, क्या है ये डब्ल्यू, ठीक है। मैं इसीलिए इतने सारे डब्ल्यू और एम को मैंने इकट्ठा किया है ताकि आप समझ सकें, बॉटम पे डब्ल्यू, टॉप पे एम, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे कहाँ से आया है, एम पैटर्न से, ठीक है। ये एम पैटर्न क्लियर दिख रहा है आपको, एम पैटर्न से आया है तुरंत मार्केट नीचे, ठीक है। यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको भाई, इतना आप सीख लो, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी पे बोलना चाहूंगा, आप लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि हम 50-60 स्ट्रेटजी हमको मिल जाए और पूरा ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज है ना भाई, आप लोग ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, मेरे हिसाब से मैं नहीं बन पाया हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने आधी छोड़ सारी को दाया, मैंने मतलब कि मैं पूरी के पीछे भागा, आधा को छोड़कर, आधा क्या, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में बहुत मजा आता था, ठीक है। सबसे बेस्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न एंड रेंज का ब्रेकआउट, 5 चीज अगर आप अपने कंट्रोल में कर लोगे ना, कभी तो ऑप्शन चेन मत देखो, कभी भी डेटा थीटा डेल्टा वॉल्यूम और गामा पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी मत करो, कोई भी इंडिकेटर मत यूज करो, कोई भी इंडिकेटर कभी यूज मत करो, सिर्फ 5 चीज यूज कर लो आप, ठीक है, बहुत कम चीज। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार कि अभी मुझे डब्ल्यू दिख रहा है, फिर मुझे लॉजिक मिले यार ट्रेंड लाइन है, फिर मुझे कोई और लॉजिक मिले, फिर डबल टॉप है, डबल बॉटम है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, फिर आपके पास में डाटा आए कि यार ये तो एक मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिख रहा हैवी रेजिस्टेंस है, 16,900 है, फलाना ढिकाना है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इतनी सारी आपको अड़चने आएंगी ना, इतने सारे लॉजिक्स को जब आप पकड़ोगे। अभी आप, मैं देखिए मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर कि मैं डाल देता हूँ, मान के चलते सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, ई एम ए, ठीक है, ई एम ए डाल दिया मैंने, ई एम ए को सब लोग यूज करते हैं, ओके, ये आ गया ई एम ए, ठीक है। अभी मार्केट ई एम ए से ऊपर गया, बाई कर लो, ई एम ए को ब्रेक कर दिया नीचे, अरे यार ई एम ए को तो ब्रेक नीचे कर दिया इसने, है ना, ई एम ए को तो इसने नीचे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे पुट बाई करोगे, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल गया, अरे यार कॉल बाई कर लो, फिर मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल आई और फिर यहाँ पर ईएमए को नीचे ब्रेक कर दिया, अरे यार पुट बाई कर लो,
जितना ज्यादा ज्ञान अपने अंदर समेटोगे ना, उतने ज्यादा लॉजिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो उतने ज्यादा आप तर्क करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा मार्केट में आप तर्क करेंगे और उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके लॉसेज के, ठीक है। आप लोग थोड़ा ज्ञान रखिए, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्या कि हम बैठे हैं एक अहम पैटर्न के लिए बस भाई। भाई मार्केट तो कहीं भी चलता है, ठीक है, आप बन जाइए केवल भोले वाले इंसान, भाई हमें तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम किस लिए बैठे हैं कि एक अहम पैटर्न देखेगा भाई, हम एक एंट्री ले लेंगे, एक प्रोबेबिलिटी हमने सुनी है, ठीक है। हर्ष सर ने बताइए, हर्ष भाई ने बताइए, ब्रिजवासी एक लौंडा है देसी, ठीक है, तो वो बताता रहता है कि भाई एम पैटर्न मिलेगा तो ट्रेड कर लेना। तो हम बैठे हैं भाई एम पैटर्न के लिए कि एम पैटर्न आ जाए, हमें एक एम पैटर्न मिल गया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक पैटर्न में मिल गया, ताली बजाओ, खुशी मनाओ, घर पहुंचो। क्यों बैठे हो मार्केट में अपने लॉसेज को होल्ड करके? लॉसेज को होल्ड कब कर रहे हैं आप, जब आपको पता है कि मार्केट 40,200 से मार्केट ऊपर गया है, आपका टारगेट है 40,500, जो ऑप्शन चेन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। ओके, ये चीज आप क्लियर है। अभी मार्केट 40,400 पे पहुंचता है, 420 पे, 440 पे पहुंचता है, आपका टारगेट रहेगा 40,500, ठीक है। 40,500 से वो टच भी नहीं करता, मार्केट तुरंत रिवर्स करता है, आप लोग बैठे हो 40,500 के चक्कर में, क्योंकि आपके पास में नॉलेज ज्यादा है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस 40,500 है, ठीक है। तो ज्यादा नॉलेज जो है ना, ज्यादा नॉलेज, मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि जब डूबता है वो तैरने वाला ही डूबता है, जिसे तैरना आता है वही डूबेगा, जिसे तैरना नहीं आएगा वो पानी में नहीं घुसेगा, ठीक है। आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप हर बार ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। ज्यादा नॉलेज है, कभी वो एम पैटर्न पे करेगा, कभी डब्ल्यू पे करेगा, कभी वी पे करेगा, कभी सिमेट्रिक पे, कभी असेंडिंग पे, कभी ट्राइंगल पे, कभी वो आपके ड्रैगन फ्लाई है, शूटिंग स्टार हैमर है, और मैं बताऊँ आपको फ्लैग पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न पेनेंट, और बताऊँ आपको फ्लैग, और बताऊँ एंगल्फिंग है, कितने सारे पैटर्न्स हैं। वो पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो बनेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पूरे दिन में बनेगा भाई, कुछ तो बनेगा। अब जब आप सबको ट्रेड करोगे, एंड में आपको लॉस मिलेगा, ठीक है, आपकी कैपिटल जो रहेगी मंथ एंड में लॉस में रहोगे आप, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दो तीन चीज चार्जेस, लास्ट पांच चीज आप यूज करो, बस इंतजार में बैठे भाई। डब्ल्यू बन जाएगा बॉटम पे तो भाई हम कॉल बाई कर लेंगे, ओके। एम पैटर्न बन जाएगा टॉप पे, हम पुट बाई कर लेंगे, बाकी मार्केट तू कहीं जा, जक मरा, ठीक है। कुछ भी कर, कहीं भी जा, कुछ भी कर, हम तुझ में नहीं आ रहे, ठीक है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुझ पे लुटा दे, ठीक है। तो हम किस लिए बैठे हैं, या तो एम बन जाए या डब्ल्यू बन जाए, उसमें एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हम एक प्रोबेबिलिटी पर ही विश्वास कर सकते हैं, एक लॉजिक है। जब जब एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको दिखाया, जब जब बने, ठीक है, जब जब बने, जिस भी एम या डब्ल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है, ये एक डब्ल्यू है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है प्रॉफिट आपके सामने, समझ रहे हो कुछ। जब भी मिले एक रीजन के साथ में आपके पास में एक ट्रेड है, ठीक है। और अगर आप भाई देखिए, ऐसा तो आपको करना नहीं है कि आपने डब्ल्यू का पैटर्न पे, डब्ल्यू पे आपने कॉल बाई कर लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है, और वो प्रॉफिट आपसे छीन लिया जाए, छीनेगा कैसे, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, आप उसे ब्रोक नहीं करोगे। तो प्रॉफिट को बुक जरूर करना, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा जरूर, बुक आपका करना, ठीक है, बुक करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लॉजिक बताना, ठीक है। तो शायद आपकी समझ में कुछ तो आया होगा, इतने टाइम से मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक लॉजिक चाहिए हमें, केवल केवल एक लॉजिक चाहिए। ये साइडवेज रेंज में भी एक एम पैटर्न हमने ढूंढ लिया, ब्रेकआउट पे हमने एक ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया, साइडवेज में भी एम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, है ना, होना चाहिए टॉप। आई होप आप समझ पा रहे हैं, आपने जो पैसा डाला है हमारे कोर्स को बाई करने में वो व्यर्थ नहीं जा रहा, ठीक है। रिव्यू डाल लेना, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके हमारे लिए एक रिव्यू डाल देना, ताकि कुछ और भाई जिन्हें देखिए आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो भाई आप तो गाली दोगे, आप कहोगे कि हमारा पैसा वेस्ट गया, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो रिव्यू जरूर डाल लेना, ताकि जो भी बिगनर्स भाई हैं, कुछ और भी बिगनर्स आई हैं जिन्होंने ये यूज नहीं किया, ताकि वो भी देखें, वो भी इसे यूज करें, ठीक है। तो शायद हो गया क्या, और हाँ काफी मार्क लगाए हुए यार, ठीक है, और भी दिखा देता हूँ। बस मैंने इतने जो एम और डब्ल्यू मैंने ढूंढे इसलिए ढूंढे, ताकि आप ये चूज कर सकें कि एम पैटर्न कितने प्रकार के बनते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, एक जो कोना कितना ऊंचा है, एक कोना कितना छोटा है, फिर भी ये एम है, फिर भी ये एम पैटर्न, जैसे ही ब्रेकआउट होगा स्टॉप लॉस स्विंग के हाई का आपको रखना होगा, ठीक है। हम एक प्रोबेबिलिटी पर विश्वास रखते हैं, फिर भी बाई चांस मार्केट रिवर्स कर सकता है और हमारा एसएल हिट हो सकता है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं, फिर भी हम एक एसएल लेके चल रहे हैं। एसएल बहुत छोटा था, 1 मिनट इसीलिए तो यूज कर रहे हैं, ताकि एसएल छोटा है। स्टॉप लॉस कितना है, स्विंग के हाई का है 17,052, और एंट्री ले रहे हैं हम यहाँ पर 17,027 पे, लगभग लगभग यार 25 पॉइंट का एसएल है, लेकिन 27 से नीचे कितने गिरा है, नीचे गिरा है आपका 950, 50 और 27, 25, मतलब कि 75 पॉइंट मिले हैं आपको, ठीक है। अगर आपका एसएल 25 पॉइंट है तो टारगेट 75 मिला है, ठीक है। तो कोई नहीं, जितना एसएल रहेगा 1:3:4 तो आपको इजीली मिलेगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। भाई साहब मार्क करना भूल गया, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम, इतने सारे डब्ल्यू पैटर्न बता दिए सर आपने, आप लोग ये कहोगे है ना। स्कैल्पर भाई एक लॉजिक ढूंढता है, लॉजिक उसके पास में, डब्ल्यू पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यू और एम पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, बस स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, स्विंग का लो, ठीक है, जो डब्ल्यू का स्विंग बनेगा लो, एम पैटर्न का जो स्विंग बनेगा हाई। कितना एसएल है, एसएल है आपका 955, एंट्री मान के चलते हैं, हाई पे रखते हैं, ठीक है, 55 ये लीजिए आपका है, ये
18 पॉइंट का है सर टारगेट। टारगेट देखिए है डब्ल्यू और दिखा देता हूँ, छोटी स्विंग छोटा लॉस, एक डब्ल्यू और दिखा देता हूँ, छोटा डब्ल्यू छोटा प्रॉफिट। ठीक है एंट्री यहाँ पर है 980 पे, स्टॉप लॉस मात्र इतना सा 80 से 73, 7 पॉइंट का एसएल है और 80 से मार्केट आया 15, मतलब 35 पॉइंट आपको मिले हैं डब्ल्यू में। एक और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बताया क्या? नहीं बताया ना ये डब्ल्यू, ठीक है ये डब्ल्यू शायद बता दिया मैंने, ये एम एम बन रहा है, ये डब्ल्यू नहीं है सॉरी मैं आदत पड़ गई थोड़ी। तो ये एम पैटर्न शायद मैंने आपको बता दिया है, ठीक है एम पैटर्न कई प्रकार से एम पैटर्न बनेंगे, कई प्रकार से आपको डब्ल्यू दिखेंगे, ठीक है डब्ल्यू भी कई तरह के आपको दिखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमने टाइम फ्रेम जो यूज किया है वो 1 मिनट का किया है। ठीक है ये क्या है, यहाँ से ये भी एक डब्ल्यू है, ठीक है और यहाँ से, ठीक है यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी एक डब्ल्यू है, ठीक है ये एक डब्ल्यू है, ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है ये इसकी नेकलाइन है। स्विंग के लो का हमारा एसएल यहाँ तक भी रखेंगे तो भी एसएल इतना ही हुआ है, और यहाँ का रखेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा एसएल है, जरूरी नहीं है ट्रेड करना। ठीक है बड़ा एसएल आ रहा है ट्रेड मत करो, कभी मत करो यार, क्यों कोई पैसा हमें फालतू थोड़ी हमारे पास। स्विंग ऊपर गई नीचे आया रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर ले गई रेड कैंडल नीचे लाई, 4 कैंडल में भी एक एम पैटर्न बन सकता है। ठीक है 4 कैंडल में भी एक एम पैटर्न बन सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं ये आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ट्रेड कीजिए फास्ट में। ठीक है जितना छोटा डब्ल्यू एम पैटर्न रहेगा उतना ही स्कैल्प आपको करना है, उतना ही छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है तो 960 पे आप एंट्री लोगे तो आया कितना 940 के आसपास 20 पॉइंट मिले। ठीक है तो 20 पॉइंट कम नहीं है, ठीक है यहाँ पे देखिए हायर लो हायर लो, ठीक है ये ट्रेंड आपको फाइंड करना है हायर लो के साथ में, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा। आगे चलते हैं, ओके सर ड्रॉइंग को हम बाद में रिमूव कर लेंगे, थोड़ा सा और वीडियो बचा है। ओके सर कितना बड़ा डब्ल्यू मिला है, कितना बड़ा डब्ल्यू मिला है, ये इसका नेकलाइन हुआ, ठीक है ये इसका नेकलाइन हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट किया है तो एक रेड कैंडल का आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखेंगे ना, मतलब कि जब आपको महीने 2 महीने हो जाएंगे ट्रेड करते हुए तब आपको एक्सपीरियंस आएगा कि एसएल हम कितना रखें, एक रेड कैंडल हमारा एसएल बन सकती है अगर हम कॉल की साइड में ट्रेड ले रहे। एम पैटर्न में एक ग्रीन कैंडल, एम पैटर्न का मतलब है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है तो नीचे आते हुए मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है अगर ग्रीन कैंडल अगर आपको दिख रही है तो उस ग्रीन कैंडल का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, डब्ल्यू बड़ा तो प्रॉफिट बड़ा, ठीक है ये हमारा नारा हो जाएगा। हाँ एम पैटर्न एक और भूल गया मैं, टॉप पे बनाया है ना ऊपर नीचे, ठीक है ये एक एम पैटर्न है, कुछ भी हो एम पैटर्न एम है, ठीक है एम तो कहीं भी बन सकता है, जैसे ब्रेक हुआ है देख सकते हैं प्रॉफिट, लोअर लो के साथ में प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मिलते रहेंगे। ठीक है बाकी आपकी लर्निंग पे आप फोकस कीजिए, तो काफी बड़ी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अच्छे से समझ सकें सीख सकें कि एम पैटर्न क्या है, ठीक है कितने छोटे एम पैटर्न भी काम करते हैं, ठीक है कितने छोटे, ठीक है ये तो मीडियम एम है, एक परफेक्ट एम है, ब्रेकआउट हुआ स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस जो हिट नहीं हुआ है अभी तक तो शायद नहीं हुआ है, प्रॉफिट आपके सामने है। ठीक है तो शायद आप समझ में आ रही होगी आपकी कि क्या करना चाहिए। ठीक है तो हाँ शायद मैंने काफी बता दिए हैं, जो मैंने मार्कर रखे थे वो तो मैंने शायद आपको बता दिए। ठीक है हाँ ये लास्ट है, ओके सर मार्केट ओपन हुआ मार्केट नीचे, मार्केट ओपन हुआ मार्केट नीचे, मेरा कहने का मतलब है ये एक एम पैटर्न बना है, दोबारा से समझा दूंगा बिगनर्स की शायद समझ में ना आए, थोड़ा सा मैं से जूम करना चाहूंगा। ओके अब देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया ग्रीन कैंडल साथ, रेड कैंडल मार्केट को नीचे लाई, ग्रीन कैंडल मार्केट को ऊपर लेके गई, रेड कैंडल मार्केट को नीचे लेके आई, ये बन गया आपके पास में एक एम पैटर्न। अभी तो मार्केट केवल ओपन हुआ है और आपको एम पैटर्न मिल गया, तुरंत आपको प्रॉफिट भी मिल गया। एंट्री है आपकी इस ग्रीन कैंडल के नीचे 192 पे, स्टॉप लॉस है आपका 210, सिर्फ 18 पॉइंट का एसएल है आपका, बाकी एंट्री मिली है 192 से, टारगेट मिला है आपको 150, मतलब कि 42 पॉइंट, 18 पॉइंट का एसएल 42 पॉइंट एक ही बार में। दोबारा से आपको एक एम पैटर्न दिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है एम पैटर्न दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड में, फिर से आपका स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 के आसपास आपको मिला है। ठीक है तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको बताई है, तो शायद आपकी समझ में आ गई होगी, अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपने पैसे दिए आप इसे यूज कीजिए। ठीक है पेपर ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रेटजी सही है आप इसमें पैसा कमा सकते हैं तो इसको यूज कीजिए, मेरे हिसाब से ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो सब लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही है तो भाई रिव्यू जरूर डालें प्ले स्टोर पर जाके, इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं कि ये आपको कितनी हेल्प कर रहा है। ठीक है तो आज की वीडियो इतना ही है, ठीक है जय हिंद जय भारत जय श्री राम, ठीक है ओके जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।